देखिए दोस्तों, ये सब्जी मंडी गई थी तो ये मुझे आम मिल गए थे, छोटे छोटे बहुत कच्चे आम। तो मैंने इनको काट लिया है और इनके गुठली निकाल देंगे। और इसमें हल्की जारी है, अभी फुल जारी नहीं पड़ी है। तो आम को मैंने काट लिया है और इनको हम डाल देंगे 3 दिन के लिए चराने, हमारे यहाँ कहते हैं। तो मैं यहाँ हल्दी ले लूँगी और हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें हल्दी ज़रूर रखते हैं। और नमक डाल दूंगी मैं, तो नमक ले लूंगी मैं 2 चम्मच, देखिएगा, क्योंकि नमक भी खटाई होती है तो नमक भी ज़्यादा पड़ता है। तो 2 से 2.5 चम्मच मैंने नमक ले लिया है, क्योंकि आम है जो वो 5 किलो आम है, इसलिए 2 चम्मच ले लिया है। और देखिएगा, मैं ऐसे ही इसमें ये मसाला लगा दूंगी और इसी तरीके से लगाएंगे, ना पानी ना तेल कुछ नहीं डालेंगे। और ये इसी तरीके से मसाला लगा देंगे, और मसाले में नमक और हल्दी रहेगा, और इसको रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए। तो देखिएगा, तो मैं रखे दे रही हूँ इसको, इस तरीके से मिला के अच्छी तरीके से खूब मिला दूंगी, ये सब नमक हल्दी पूरे में चिपक जाए। और आम आपको बड़े लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे आम हैं और इनका अचार बहुत ही अच्छा पड़ता है। इसी तरीके से आप भी डाल लें। अभी आम कच्चा चल रहा है और अभी ज़्यादा बड़ा आम नहीं हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ मैंने लगा दिया है हल्दी नमक, आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा हो जाएगा। और इसको डेली हम हिलाते रहेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ये पानी छोड़ देगा आम। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम डेली हिलाएंगे इस आम के डब्बे को और रख देंगे। देखिए दोस्तों, इसको 3 दिन हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसको दिखा देंगे धूप अच्छी तरीके से, तो धूप में सुखा लेंगे। 1 दिन की धूप ही दिखाएं, वही बहुत है। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा, ये अभी मैंने आम जो है 3 दिन बाद निकाल दिए हैं और डाल दिया है यहाँ। अभी थोड़ी सी धूप आई है, आ जाएगी, और धूप बाहर इतनी जगह है वहाँ डाल दिए हैं। तो इनको दिखा दूंगी 1 दिन की धूप, तो देखिएगा फिर मैं कैसे अचार बनाती हूँ कच्चे आम का, तो वो दिखाती हूँ आपको। तो ये शाम का टाइम है और पूरा दिन मैंने मतलब हल्की सी धूप लगा ली है इसमें, एकदम ये सूख गया है। और ये छोटी जो अमियाँ आ रही हैं अभी, इसमें हल्की सी जारी है, ये ज़्यादा टाइट नहीं है, तो ये सूख गई है अच्छी तरीके से। तो देखिएगा, ये ले ली है। और यहाँ कुछ देखिएगा, ये हल्दी पाउडर ले लिया है, मिर्ची पाउडर, नमक, और ये सौंफ पाउडर ले। तो देखिएगा हम किस तरीके से अचार बनाते हैं कच्ची मिर्चों का। तो यहाँ डाल देंगे, ये कड़ुआ तेल है जो सरसों वाला तेल होता है, वो डाल देंगे हम। देखिएगा कच्ची अमियाँ जो आ रही है ना अभी छोटी छोटी, उसका डालेंगे तेल। देखिएगा हम इतना तेल डाल देंगे इसमें, 2 चम्मच। और मैं कच्चा ही तेल डालती हूँ, मैं पका के नहीं डालती। तो इसमें डाल दूंगी मैंने, ये बड़ा चमचा ले लिया है पीली वाली सरसों, वो डाल दूंगी मैं। और ये कटोरी सौंफ ले लिया है मैंने, ये भी डाल दूंगी मैंने। मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। तो यहाँ ये सरसों डाल दूंगी काली वाली, इनका मिर्ची पाउडर डाल दूंगी मैं, 2 बड़े चम्मच हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और अब कर लेंगे हम इसको मिक्स अच्छी तरीके से, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये कच्ची अमियां है ना, उसका सालों साल अचार खराब नहीं होता है, देखिएगा। अब ये अच्छी तरीके से मिल गया है मसाला, जो अमियां है वो डाल देंगे हम इसमें। इस तरीके से हम इसको पूरा मसाला इसी तरीके से हम लपेट देंगे। बहुत सस्ती मिल जाती है।
देखिएगा ये मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसको भर के रख देंगे और ये एकदम मसाला लग गया है सारी आम पे। दोस्तों देखिएगा वीडियो को फुल वॉच करना, जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। जय माता दी दोस्तों।